कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अन्वेषक न्यूज़। आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अन्वेषक न्यूज़ में। अन्वेषक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। यहाँ पर साथियों, अन्वेषकों के लिए एक गर्व से भरी हुई, एक खुशी भरी हुई खबर, राहत भरी खबर, जिसे पूरी दुनिया जानने और पहचानने जा रही है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं अन्वेषक गीता की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, विपरीत परिस्थिति में, आर्थिक तंगी में अपने आप को रोकने नहीं दिया और पहले देश में नाम रोशन किया, अब दूर देश ऑस्ट्रेलिया में परचम लहराएंगी अन्वेषक गीता। हिंदुस्तान द्वारा प्रकाशित इस खबर पर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट स्टेडियम में नवंबर माह में होगी इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स। संत कबीर नगर से समाचार है, भारत का परचम लहराने संत कबीर नगर जनपद के कंपोजिट विद्यालय जिगना पर तैनात खेल अन्वेषक गीता पुष्पजीवी ऑस्ट्रेलिया जाएंगी। एथलेटिक्स में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीत चुकी गीता का चयन ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए हुआ है। चयन के बाद से ही वह तैयारी में जुट गई थी। गीता का लक्ष्य है कि इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी जीत कर दें भारत के लिए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया जाने में आर्थिक संकट आड़े आ रहा है, इसके लिए ब्लॉक क्षेत्र के शिक्षकों ने मदद की पहल शुरू कर दी है। धनकटा की रहने वाली एथलेटिक्स गीता सेंसर ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय जिगना पर बतौर खेल अन्वेषक तैनात हैं। 2013 में तैनाती के बाद से ही ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का उन्होंने काम किया। दोस्तों, यहां पर बताना चाहेंगे, गीता पहले से ही ताइक्वांडो और हॉकी की चैंपियन भी रही हैं। हॉकी में नेशनल लेवल पर अपना परचम लहराया था, लेकिन बाद में खेल से थोड़ा दूर हो गई थी। गीता बताती हैं कि 2 वर्ष पहले उन्हें पता चला कि एथलेटिक्स की मास्टर प्रतियोगिता भी होती है। इसके बाद उन्होंने इसमें हिस्सा लेने का निर्णय लिया। पारिवारिक जिम्मेदारियों और स्कूली जिम्मेदारियों के बीच एथलेटिक्स की तैयारी करना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन पति दिवाकर कुमार सहित परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिला तो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। गीता ने बताया कि पहले 2021 में लखनऊ में टेस्ट लेवल की प्रतियोगिता आयोजित हुई, इसमें जीत दर्ज करने के बाद नेशनल प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। हैंसर के शिक्षकों ने शुरू की मदद की पहल, जो कि एक अत्यंत सराहनीय कार्य इन शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा है। गीता पुष्पजीवी का चयन इंटरनेशनल मास्टर्स प्रतियोगिता के लिए होने में हैंसर ब्लॉक के शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। गीता को गेम से अत्यंत प्रेम है और इस गेम में शामिल होने के लिए आने जाने के करीब जो खर्च आएगा वो 3 लाख रुपये आएगा। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव सभी ने मिलकर इनकी मदद करना शुरू कर दी है। सम्मानित साथियों, चैनल पहली बार किसी के लिए मदद की गुहार कर रहा है। आप समस्त सम्मानित शिक्षक, अनुदेशक, अनुदेशिकाएँ, शिक्षा मित्र, भाई बहन एवं अन्य जो कर्मचारी शिक्षण स्तर कर्मचारी हैं, उन सभी से निवेदन है आर्थिक सहयोग करें और उनके लिए ऑस्ट्रेलिया पहुँचाने के लिए मदद करें, ताकि हमारे देश का नाम, हमारे विभाग का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सके। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उनके नंबर्स, जिसमें उनका मोबाइल नंबर भी दिया है और गूगल पे इत्यादि दिया है, जो कि ज़िला कार्यकारिणी जनपद संत कबीर नगर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। आप इस पर जाकर जो जैसी श्रद्धा हो आप उन्हें मदद करें, ताकि हम भी कुछ करके दिखा सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।